अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। सो टुडे आई एम शेयर विद यू अनदर रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट ओल्ड वर्सेस न्यू मिस रोज प्रोडक्ट्स रिव्यू। अच्छा, तो स्किन केयर की वीडियोस तो मैं बहुत ही ज्यादा अपलोड करती रहती हूँ और आप लोग बहुत पसंद भी करते हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए तो आज मैं आप लोगों को मिस रोज के बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। सो देयर इज अ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, काफी ज्यादा टफ होता है हम लोगों के लिए सेलेक्ट करना कि कौन से स्किन टोन पे कौन सा शेड सही सुटेबल हो रहा है। और यूट्यूब पर भी इन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है, एंड आफ्टर बैकआउट भी काफी मुश्किल हो चुका है अच्छे फाउंडेशन को ड्यूप में परचेज करना। और कुछ लोग इसे मेबलिन से भी कंपेयर कर रहे हैं, ड्यूप बता रहे हैं उसको, और बट कुछ लोगों को मेबलिन का ये कंपैरिजन भी नहीं लग रहा। तो वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। और जो प्रोडक्ट काफी हद तक सिमिलर है मेबलिन फाउंडेशन से, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगी। सो प्लीज एंड तक लास्ट में देखिएगा। सो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा पेज है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मैं वीडियो अपडेट्स और स्टोरी पोस्ट करती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डिटेल एंड स्वॉचेस। अच्छा, तो फर्स्ट हम ओल्ड वर्सेस न्यू कंसीलर कंपैरिजन के बारे में बात करने वाले हैं, एंड दैट इज मिस रोज ओल्ड कंसीलर बट स्टिल माय फेवरेट। क्योंकि यार सही है ना, इतने प्राइजेस में आपको क्या ही मिल जाना है और ये इतने प्राइजेस में आपको इतनी कवरेज दे रहा है, यही चीज इसकी हाइप का प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो मेरे पास है इसका बेज वन शेड। पहले मेरा शेड इसमें बेज टू था, बट रिसेंटली जब से ये न्यू मैन्युफैक्चर होने लगे हैं तो अब मेरा शेड इसमें बेज वन है, और बेज टू इन्होंने न्यू अपडेट में काफी डल कर दिया, लाइक न्यू शेड की तरफ कर दिया है। तो आप लोगों ने भी इनको ध्यान से परचेज करना है और इन चीजों का ख्याल रखना है। इसमें आपको 5 ml प्रोडक्ट मिलता है और आप इसे ओपन करने के बाद 3 ईयर्स तक यूज कर सकते हो। जो मैंने पहले परचेस किया था बेज टू शेड, उसके प्राइस 250 थे और उसमें 7 ml प्रोडक्ट मिलता था, बट अब यही वाला कंसीलर न्यू अपडेट होकर 5 ml प्रोडक्ट हो चुका है इसमें, और इसके प्राइस आई थिंक 350 तक के हैं। एंड द एप्लीकेटर लुक लाइक दिस। अच्छी चीज ये कि इनका एप्लीकेटर भी इतने प्राइजेस में अच्छा है और इसमें भर भर के प्रोडक्ट नहीं आता जिससे प्रोडक्ट जाया हो। एंड द शेड लुक लाइक दिस, और ये शेड बेज वन है जो कि मेरे स्किन टोन से बिल्कुल ब्लेंड होने के बाद मैच हो जाता है। इसके प्राइस काफी कम है, अफोर्डेबल है, इसकी कवरेज अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, यही इसका प्लस पॉइंट है। इसका क्रीमी टेक्सचर है जो कि इजिली ब्लेंड हो जाता है, इवन के फिंगर से भी ब्लेंड हो जाता है। ये ऑयल फ्री है बट ये वाटर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर आपको अच्छे से कंसीलर लगाना, प्रेप करना, मैनेज करना आता है तो ये इजीली 3 to 4 hours स्टे कर सकता है। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है अगर आप लोग कम प्राइसेस में अच्छा कंसीलर देख रहे हो, या अगर आपको मेकअप करना नहीं आता, या आप सीख रहे हो, स्टार्टिंग है, बिगिनर हो, तो उसके लिए ये अच्छी प्रोडक्ट है। या मुझे कहीं आउटिंग या शॉपिंग पे जाना है और थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स वगैरह हाइड करना है तो मैं इसे तब भी यूज करती रहती हूँ। और फिर अगर आप प्रोडक्ट अपडेट करना चाहो तो मेरे पास इसी का ही कंसीलर है। तो जी, ये रहा मिस रोज का न्यू कंसीलर जिसका नेम है मिस रोज प्रोफेशनल मेकअप कंसीलर। रिसेंटली इनका न्यूली लॉन्च है मिस रोज का प्रोडक्ट, और आते के साथ ही इसकी काफी ज्यादा हाइप हो गई थी। अच्छा, तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से, और इसमें आपको 15 ml प्रोडक्ट मिलता है, और आप इसे ओपन करने के बाद 12 मंथ तक यूज कर सकते हो, और इसकी एक्सपायरी डेट 2027 तक की होती है। यार ये भी सही है कि इनका ये न्यू कंसीलर 450 के प्राइजेस में आपको 15 ml मिल रहा है, जबकि इनका ओल्ड कंसीलर 5 ml 350 की प्राइजेस में मिल रहा है। और मेरे पास है इसका भी बेज वन शेड, क्योंकि पुराने वाले का भी बेज वन था तो मुझ पे जो सुटेबल शेड है मैं तो वही लूंगी ना। ये ग्लास पैकेजिंग में नहीं है, ये प्लास्टिक की पैकेजिंग में है, एंड एप्लीकेटर लुक लाइक दिस। अच्छा, तो ये कंसीलर आप लोग काफी सिमिलर लग रहा होगा टार्ट कंसीलर लॉरियल कंसीलर्स की तरह, तो इसका भी मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ। इसे मैं परचेज करने से पहले काफी डर रही थी कि कहीं शेड ज्यादा ब्राइट ना आ जाए, मैं यही चाह रही थी कि इसका बेज वन शेड ओल्ड कंसीलर वाले बेज वन की तरह ही हो, और शुक्र है ऐसा ही हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ओल्ड कंसीलर वाला शेड इस न्यू कंसीलर में लेना चाह रहा है तो वो इजिली ले सकता है, क्योंकि शेड का कोई फर्क नहीं है और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस क्वांटिटी और कवरेज का फर्क है। हाँ जी, तो अब आप लोग क्लियरली डिफरेंस देख लो कि ओल्ड कंसीलर जो है वो काफी केकी फील दे रहा है क्योंकि वो क्रीमी कंसीलर है, और जबकि इनका ये न्यू कंसीलर किसी हाई एंड ब्रांड की तरह आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। मींस ये फेक नहीं लग रहा, केकी नहीं लग रहा, क्रीमी नहीं लग रहा, और लाइट वेट भी है, लाइक फील नहीं हो रहा कि आपने कुछ लगाया हुआ है कंसीलर, लाइक इतना हैवी आपको फील नहीं दे रहा, और इजी टू ब्लेंड है। यस, अब इनका ये न्यू कंसीलर भी मेरा फेवरेट होने वाला है क्योंकि ये ऑयल फ्री है और इतना ज्यादा वाटर प्रूफ नहीं है, और इससे आई थिंक ये 5 to 6 hours तक कर लेता है, तो आप इसे ऐसा प्रोफेशनल या बिगनर भी यूज करना चाहो तो ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट हम ओल्ड वर्सेस न्यू फाउंडेशन कंपैरिजन करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रीमली अफोर्डेबल फाउंडेशन मिस रोज की मैट फाउंडेशन। इन अफोर्डेबल प्राइसेस बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई आउट किया है, इवन के ये पॉलर्स में भी यूज होती है मैट फाउंडेशन और इनकी वेलवेट फाउंडेशन। मेरे पास इसका शेड नंबर बेज वन है, आप इसको ओपन करने के बाद 12 मंथ तक यूज कर सकते हो। इसमें आपको 37 ml प्रोडक्ट मिलता है 450 की प्राइसेस में। इनकी मैट फाउंडेशन ऑयल फ्री है और इससे कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, इवन के सेंसिटिव स्किन टाइप वाले भी यूज कर सकते हैं, बट इसे ड्राई स्किन वाले भी बहुत यूज करते हैं, और इसकी एक्सपायरी डेट 3 ईयर्स तक की है। सो द कंसिस्टेंसी लुक लाइक दिस, इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी है, लिक्विडी बहने वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी
भी नहीं है। अगेन मैंने इसका भी बेज वन शेड परचेज किया क्योंकि उन्होंने बेज टू काफी न्यू टाइप शेड बना दिया है। यार इसकी कवरेज ना बहुत आउट क्लास है, लाइक मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है इसकी। और अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो, पिकनिक पे, इवेंट पे या बर्थडे पार्टी है, या मुझे हैवी ग्लैम लुक चाहिए, तो उसके लिए भी मैं यूज करती रहती हूँ इसे। इससे काफी अच्छे से आपके डार्क स्पॉट्स, रेडनेस और डार्क सर्कल वगैरह काफी अच्छे से हाइट हो जाते हैं। आप एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो। ये भी ऑल फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग और वाटर प्रूफ नहीं है, लाइक 3 to 4 hours तक अच्छे से स्टे करती है। और इसका माइनस पॉइंट ये है कि ये फॉरन से नहीं, बट हाँ आराम आराम से ये ऑक्सीडाइज होती है। बट यार इतने प्राइजेस में बुरी नहीं है, इतने प्राइजेस में आपको कोई भी ब्रांड फाउंडेशन अवेलेबल नहीं कर रहा। अगर आप लोग ऐसा बिगिनर हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार्टिंग है, तो आपके लिए अच्छा है। और फिर भी अगर आप लोग प्रोफेशनल हो तो आप इस चीज को भी हैंडल करना जानते होंगे। एंड लास्ट में मेरे पास है इनकी अगेन हाइप वाली प्रोडक्ट जिसका नेम है मिस रोज सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन। तो आपको 500 की प्राइजेस में 30 ml प्रोडक्ट मिलता है। आप इसे ओपन करने के बाद 12 मंथ तक यूज कर सकते हो और इसकी एक्सपायरी 3 years तक की है। और इसका भी मैंने बेज वन शेड परचेज किया है क्योंकि मुझ पर सुटेबल है। और बैक साइड पर इसके इंग्रेडिएंट्स, वार्निंग वगैरह सब मेंशन किया हुआ है। ये आपको ट्यूब फॉर्म में मिलती है और आपने इसको स्क्वीज करके निकालना होता है, से होता है कि प्रोडक्ट जाया नहीं होता। और इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी क्रीमी कंसिस्टेंसी है। अगर आप इसे अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा लो ना, तो एग्जैक्ट ये बीबी क्रीम वाली आपको फील देगी, लुक देगी। और शुक्र है कि इसका शेड भी मैट फाउंडेशन से सिमिलर है। अगर कोई मैट फाउंडेशन का बेज वन शेड यूज कर रहा है तो वो इसका भी बेज वन शेड इजीली यूज कर सकता है, परचेज कर सकता है। एंड यू कैन सी क्लियरली सी द डिफरेंस के वो ऊपर मैट फाउंडेशन है और नीचे सिल्क फाउंडेशन है। ये सिल्क फाउंडेशन है जब भी आपको इतना ज्यादा इनहेंस हो रहा है। और अच्छी चीज ये है कि मैट फाउंडेशन की तरह तेजी से ऑक्सीडाइज नहीं होती और 4 to 5 hours तक अच्छे से स्टे करती है। और कुछ लोग इसे डेली वेयर, गेस्ट मेकअप और एज अ बीबी क्रीम भी काफी यूज कर रहे हैं। इवन के ये सिल्क फाउंडेशन तो ड्राई स्किन टाइप्स का फेवरेट हो चुका है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इसका टेक्सचर अच्छा है और काफी अच्छे से स्किन में, काफी स्मूथली स्किन में अप्लाई होती है ये। हाँ, तो फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। चारों के 1 by 1 स्वॉचेस आपको दिखा देती हूँ ताकि डिफरेंस अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। हाँ, तो ये सारे शेड बेज वन है जो कि मेरे स्किन टोन और मेरे शेड कॉम्प्लेक्शन से काफी मैच करते हैं, काफी सुटेबल रहते हैं। मिस रोज के पास शेड वैरायटी काफी ज्यादा अवेलेबल रहती है। आप लोग अपने स्किन टोन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से शेड सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन सी क्लियरली सी द डिफरेंस के ब्लेंडिंग होने के बाद भी सब एक दूसरे से कितना मैच कर रहे हैं। कोई ज्यादा ओवर व्हाइटिश नहीं हो रहा जिससे मेरा फेस डल लगे, व्हाइटिश लगे, ग्रे लगे। इनके सारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग शेड अवेलेबल रहते हैं, बट ऑलमोस्ट इनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स की मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है और इतने प्राइजेस में वेल एंड गुड है। और जहां तक बात रही मिस रोज के फाउंडेशन की, जिसको मेबिलीन का ऑल्टरनेट या ड्यूप बोलकर आप लोगों को बता रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैट और सिल्क फाउंडेशन कभी भी एक जैसा वर्क नहीं कर सकते। मैट फाउंडेशन एज कम्पेयर टू सिल्क फाउंडेशन इतनी जल्दी फेस पर स्वेटिंग नहीं करते। सिल्क फाउंडेशन ड्राई स्किन पर हर सीजन में सुटेबल रहते हैं, जबकि ऑयली स्किन पर सिल्क फाउंडेशन काफी केकी फील होते हैं, काफी केकी हो जाते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो कि आप लोगों को समझना था। मे बी जिन पर सुटेबल हो मेबिलीन की तरह उनकी ड्राई स्किन टाइप हो, और आफ्टर बायकॉट आप लोगों को ये मेबिलीन का ड्यूप बताने का सिल्क फाउंडेशन एज अ मार्केटिंग लेवल हो, क्योंकि मिस रोज के प्रोडक्ट अपने आप में एक अच्छी प्रोडक्ट है। इनको इतने बड़े ब्रांड का ऑल्टरनेट ना बताया जाए। कहां वो मेबिलीन इतना हाई फाई SPF, नॉन कोमेडोजेनिक, ऑयल फ्री, लाइट वेट, सुपर लाइट वेट फाउंडेशन, और कहां ये। अगर आप लोग अच्छा लॉन्ग लास्टिंग ऑयल फ्री मैट फाउंडेशन इन अफोर्डेबल प्राइसेस में परचेज करना चाहते हो, तो आप लोग रिवाज शुगे का फोटो फोकस फाउंडेशन 24 hours लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन विद फुल कवरेज एंड ऑयल फ्री, इसमें सिर्फ SPF नहीं है, बट ये काफी अच्छी टक्कर दे सकता है मेबिलीन के फाउंडेशन को। मैं इसे 2 साल से यूज कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत ही जबरदस्त लाइट वेट फाउंडेशन है, बिल्कुल भी केकी फ्लेकी पैची नहीं होता। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है और 8 to 9 hours तक अच्छे से स्टे रखता है। आप प्लीज मेरे कहने पे इसे एक दफा जरूर ट्राई आउट करो, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये। और आप लोगों को बीबी क्रीम परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसी फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर मिक्स करके अपना बीबी क्रीम वाला लुक बना सकते हो। और डे टाइम में मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन मिक्स करके फाउंडेशन में अपनी बीबी क्रीम वाली लुक बना सकते हो। टीनेजर के लिए बेस्ट है कि ये सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने दराज से सेल में परचेज किए थे। दराज में मिस रोज का ऑफिशियल फ्लैगशिप स्टोर है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सबका ऐड कर दूंगी। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। होप यू लाइक ऑल द डिटेल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। डू सब्सक्राइब माय YouTube फैमिली। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।